नमस्ते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये हम लोग भले अभी बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये मंथ अपने आप में ही दिव्य महीना है, जो नाम से ही प्रतीत होता है यह भगवान का महीना है, कोई व्यक्ति का महीना नहीं, कोई साधारण ऐसे चीज क्या कहते हैं। 12 मंथ होता है, 12 मंथ को अभी सब महिमा सब महीना का अलग अलग ग्लोरीज है, अलग अलग महिमा है, लेकिन ये जो महिमा है, ये जो महीना है, इसका सबसे डिफरेंट ग्लोरीज है। पहले ये जो महीना जो था इसको मल मास कहा जाता था, इसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, मतलब कि होता है कि इसको भगवान ने ही बनाया था। जैसे हमारे जैसे कोई माता पिता हैं, उनके क्या कहते हैं, चार पांच संतान है, चार पांच जब संतान है तो एक मतलब कोई मतलब चार संतान पांचवें संतान को निकृष्ट मान रहे हैं, वैल्यू दे ही नहीं रहे, जबकि उनको भी जन्म वही माँ बाप ने किए, लेकिन उस छोटे जो जिसको पांचवा नंबर बालक है उनको भी माँ बाप ही जन्म दिए हैं, लेकिन अन्य जो पुत्र है क्या कर मंद बुद्धि के कारण अज्ञान के कारण अवहेलना करने लगा, तो वो छोटा लड़का जो है छोटा बेटा अगर किसी दुनिया वाला अगर शरण में जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए उस सबसे बुद्धिमान क्या हुआ, उन्होंने भगवान के शरण के ग्रहण जब भगवान के जब शरण ग्रहण किए तो वो सारे दुख मतलब जितना भी उनके पास समस्या था सभी समस्याओं से मुक्ति हो गई। जस्ट लाइक हम लोग क्या हैं, अनेक समस्याओं अनेक अंधकार में घिरे हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान का अगर हम शेल्टर लेंगे, ऐसे हम भगवान की आराधना करेंगे, भगवान के कथाओं में भगवान का शरण हम जब ग्रहण कर लेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसमें हम भी क्या कहते हैं, ये जो क्या भौतिक जो कला क्लेश है इससे हम क्या कहते हैं सीधे निकल जाएंगे, इससे आसानी से इसको भव सागर से हम पार पा सकते हैं। ये हमारा क्या है जो एक दिव्य बंधन है, इसका अगर भगवान के अगर गुरुजी नहीं सुनेंगे तो हम बहुत सारा समस्याओं में फंस जाएंगे, बहुत सारा ऑलरेडी हम लोग कष्ट भोग ही रहे हैं ना, इससे हम पार पाने के लिए एक वो उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार तो हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का शेल्टर ग्रहण करना चाहिए, जैसे कौन किया था पुरुषोत्तम मास ने किया था। जब जैसे पिछले दिन हम बताए थे कि एक हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य था जो सत्युग में प्रकट हुआ था, इसका प्रकट कैसे हुआ था, जैसे क्या कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों जो भाई थे बहुत ही पापी थे, ये जो है क्या कह सकते हैं इतने बड़े पापी थे, इतने किसका वर्णन भागवतम में बहुत डिटेल से आता, इसको मतलब मारने के लिए हालांकि ये दोनों भगवान के ही पार्षद थे, जब भगवान के पार्षद थे तो फिर भी इतना ये जो असुर योनि में प्राप्त हुए हैं थोड़ा सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है, भाई भगवान का कोई पार्षद होगा जो साक्षात भगवान के लोक में रहते हैं, जबकि भगवत गीता में हम बहुत बार पढ़े हैं अगर कोई अन्य लोक में अगर जाते हैं तो वहाँ से गिरना पड़ता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के धाम में अगर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं कभी गिरना नहीं पड़ता। तो ये फिर ये जो भगवान में पहुँचने के बाद भगवान के धाम के पहुँचने के बाद गिरना क्यों पड़ा, क्वेश्चन डाउट तो उठता है ना, हम लोग तो बहुत क्वेश्चन उठ रहा है इसको गिरना क्यों पड़ा, ऐसा इन्होंने किया क्या जिसके कारण इसको भगवान के धाम से भी क्या करना पड़ा नीचे आना पड़ गया। तो देखिए सिंपल वो उदाहरण दिया गया था, आप लोग ऑलवेज टाइम हम बताते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा अपराध क्या होता है, वैष्णव अपराध सबसे पीक लेवल का अपराध, और अगर कोई अपराध करिएगा पाप करिएगा तो सबका माफ हो सकता, लेकिन अब वैष्णव की निंदा करते हैं वैष्णव अपराध करते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, बचना क्या असंभव माना जाता है, उसे बच नहीं सकते, उसे बचने का उसका भी चांसेस है लेकिन एक उपाय है जिससे आप अपराध से ही बच सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध बहुत ज़्यादा होता है उसमें तो कि उससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, जिस वैष्णव को आप अपराध किए वो वैष्णव यदि आपको माफ़ कर दे या क्षमा कर दें तो आपके चांसेस है आप बच सकते हैं, अन्यथा कोई भी चांसेस नहीं है या बच सकते, क्योंकि इस जगत में भगवान कहते हैं वैष्णव हमारा क्या है साक्षात मेरा मुंह है मेरा आत्मा हृदय है,
जब दुर्वासा मुनि जब अमरीश महाराज के केस में जब अपराध करके जाते हैं तो कहते हैं कि हमको बचा लीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि दुर्वासा जो दया के व्यक्ति के अंदर कहाँ से निकलता है, हृदय से निकलता है ना, लेकिन तुम हृदय को भी जब जला दिया है, हृदय को भी पूरा खाक कर दिया है, तो दया कहाँ निकलेगा। वैष्णव उसी समय भगवान कहते हैं वैष्णव हमारे हृदय हैं। तो एक समय की बात है, ये भगवान के निज पार्षद थे। कौन कौन? ये जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप थे तो निज पार्षद थे। तो जब एक समय की बात था, भगवान के जब सेवा में लीन थे, तो उस समय भगवान के परम भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चतुष कुमार जो है, एक बार भगवान से मिलने के लिए भगवान के लोक को गए। जब भगवान के लोक को गए तो वहाँ ये दोनों ने द्वार, उसमें जो सनक सनंदन सनातन जो बता रहे हैं, 5 साल के बालक ही है अभी भी, नित 5 साल की आयु में ही अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन 5 साल की अवस्था में रहते हुए बहुत उनका आयु बहुत है, पर उनका शरीर इतना विशाल नहीं है, समझे। जब इस प्रकार जब हुआ तो गए मिलने के लिए, तो ये दोनों जो पार्षद थे सीधे भगवान को, वो जो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे, चारों को रोक दिए। जब रोक दिए तो उनके उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा किस लिए आ गया? कि तुम भगवान से भक्त को मिलने के लिए बाधा बन रहे हो। अगर कोई भक्त अगर भगवान से मिलना चाह रहा है तो उसमें तुम बाधा क्यों डाल रहे हो? ये काम तो असुरों का है। अर्थात देखिए, असुर क्या करता है, भगवान और भक्त दोनों अलग करने का काम करता है। अर्थात देखिए, हम लोग को भी जब भक्ति करते हैं तो जो भी कोई डिस्टर्ब करता है, जो भी बाधा डालता है, या जो भी कुछ हम लोग को डिस्टर्ब करने का दूसरा दूसरा रास्ता बताने का प्रयास करता है, इसका मतलब है कि हमारा पथ में वो बाधा डाल रहा है। जस्ट लाइक ये काम किसका है? असुर का है। इसका मतलब समझिए, जो हमारी भक्ति में बाधा डाल रहा है तो साक्षात असुर ही है। असुर के अलावा कुछ है ही नहीं है। जब इस प्रकार जब बोले ये काम तो असुर का है, अगर तुम भगवान के धाम में होते हुए भी तुम्हारा स्वभाव असुर का है, तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम असुर हो जाओ। श्राप तो मिल गया, जैसे श्राप हुआ स्वयं भगवान आए। भगवान विष्णु जब बाहर आए तो भगवान विष्णु के चरणों में दोनों गिर गए, जय विजय। उन्होंने बोलने लगे कि भगवान, मैं तो इनके आपकी आज्ञा के अनुसार पालन कर रहा था, आज्ञा पालन कर रहा था, और उसी के कारण मैं इन दोनों को अगर थोड़ा सा जाने के लिए रोका, जिस कारण ये चारों को श्राप दे दिए, भगवान मेरी कुछ क्या रक्षा करिए। तो भगवान बोले, ये तो चिन्मय जगत है, अगर मेरे भक्तों ने श्राप दिया है तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसमें यहाँ पे एक मतलब क्या स्वयं ऐसा वर्णन आता भागवत में कि स्वयं भगवान कहते अपने हाथ जुड़ के कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को कि जो सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इनके लिए कुछ क्या कर सकते हैं, माफ़ तो मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, लेकिन कुछ कंसिडर कर दीजिए। वहाँ पर फिर भगवान भी एक कोई अन्य अन्य पुराण में आता है, कहीं भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्तों ने कहा है तो तुम्हें असुर कुल में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, तुमको धरती लोक पर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं दो ऑप्शंस में दे सकता हूँ। बोले, क्या दो ऑप्शन? बोले, तो अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म में मेरे पास वापस आओगे, अगर तुम हमसे द्वेष करोगे तो 3 जन्म में वापस आ सकते हैं, समझे। जब इस तरह जब हुआ तो दोनों पार्षद सोचे जय विजय कि 5 जन्म बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, भगवान मैं आपसे द्वेष ही करूँगा, मैं 3 ही जन्म में वापस आया। बोले, जैसी इच्छा। वही पहला जन्म में, फर्स्ट जन्म में ही कौन थे? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरे में तो स्वयं क्या कर सकते हैं, ये आया था रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्म में ही ये दोनों बारी बारी से आए थे। तो हम लोग पहला जन्म के ही हम लोग बारे में सुन रहे थे कि ये भूमिका बन रहा है, मतलब ये जो हम लोग पुरुषोत्तम आते हैं कैसे क्रिएशन किया गया है, इसका भूमिका तैयार कर रहे हैं, तो भूमिका समझना बहुत जरूरी है। जब ये जब आए तो इधर क्या कर सकते हैं, जब दीदी के गर्भ में ये दोनों आए, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों जब माँ इनके गर्भ में आए, पूरा तबाही मचाने लगे। इतना तबाही,
इतना तबाही, ऐसा मतलब ऐसा तबाही होने लगा, माँ के गर्भ में थे तो कहीं प्रलय आ रहा, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं सुनामी आ रहा, ऐसा ऑटोमेटिक आ रहा। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, ऐसा है दोनों, ये तो भगवान के पार्षद थे, अगर कोई भगवान की आज्ञा से कोई अगर असुर भी मन रहा है, इसका मतलब देखिए हम लोग कुछ भी करते हैं तो पूर्व जन्म में जो कुछ करते हैं उसका छटका रह जाता है, मतलब उसका अंश कुछ बच जाता है, तो मेरा स्वभाव में कुछ बना रहता है। लेकिन ये दोनों जो थे भगवान के निजन पार्षद थे, पार्षद होने के बाद जब जन्म लिए तो माँ, जन्म तो दूर की बात है, जब माँ के गर्भ में थे फिर भी इतना उत्पात क्यों करने लगे, इतना उत्पात कैसे होने लगा। तब उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक्चुअली ये कश्यप, कश्यप और क्या कहते हैं दीति, कश्यप ऋषि की ऐसा वर्णन आता है 14 या 15 पत्नियां थी, जिसमें जो हम लोग थे सबसे बड़ा कश्यप जो है ना, मतलब सबसे बड़ा गोत्र है उनका, अर्थात उनके इतनी पत्नियां हैं और उनके हर एक पत्नी से एक वंशज निकला, जैसे अदिति से देवता हो गए, दीति से दैत्य हो गए, फिर कद्रु से जो नाग फैमिली देखते हैं ना सब कद्रु से है, इसलिए मैक्सिमम फैमिली जो है कश्यप ऋषि से प्रकट हुआ है। देख आज भी हम देखते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है ना तो बोल देते हैं कश्यप गोत्र है, तो भाई उनका मतलब हर एक पत्नी से पिता एक है। देखें थिंकिंग ये निकलता है भागवतम बहुत गूढ़ विषय है, यानी सोचिए एक पिता एक ही है, उनकी कितना 15-16 का वर्णन आता है, एक पत्नी जो अदिति है उसका उससे उसके पुत्र क्या बन गए हैं, असुर बन गए महापापी, और दूसरा अदिति इधर इधर क्या उनका सिद्ध जो 33 करोड़ देवी देवता जो देखते हैं ना वो दीदी के ही पुत्र हैं। आप तो नहीं सोचिए पिता तो एक ही है, एक का भी एक माँ से दैत्य प्रकट हो रहा है, एक देवता एक के राक्षस में क्या कहते हैं सांपों जो फैमिली है ना द्रु द्रु महानाग सब बिजदर जितना सर्प है वो सब उसी का है। आप बताइए यहाँ गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो उसमें जब बता रहे थे कि जब असमय में वो लोग क्या कहते हैं जब संघ किए थे जिसके कारण अर्थात तो एक समय की बात था, स्वयं कश्यप ऋषि संध्या वंदन में घर लौटे, उसमें उनकी पत्नी जो दीदी थी बहुत उदास थी, उन्होंने पूछा कि देवी तुम उदास क्यों हो, बोले मेरे को संतान चाहिए। कश्यप ऋषि बोले हाँ ये तुम आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा, लेकिन देवी अभी का समय उचित नहीं है, अभी का अगर अभी अगर आप संतान अगर प्रदान करेंगे तो संतान जगत के लिए विनाशकारी होगा, जो तीनों लोकों में हाहाकार मचा के रख देगा, इसलिए अभी वो उचित काल नहीं है। लेकिन जो भागवतम में ऐसा बहुत डिटेल से वर्णन आता है कि जो दीति का इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इतना मतलब काम का बेग चढ़ गया, इतना भ्रष्ट हो गया, उन्होंने एक क्षण की प्रतीक्षा नहीं की, इतना फोर्स की कश्यप ऋषि को, और असमय में संग करने के कारण असमय में कुछ देर बाद उनका जब वेग शांत हुआ, तब जब उस समय कश्यप ऋषि बोलते हैं कि देवी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जो तुम्हारे गर्भ में जो जन्म लेगा ना वो महापापी होगा, जो तीनों लोगों को त्राही त्राही मचा देगा। उस समय जब वेग शांत हुआ तब उस वक्त बुद्धि ठिकाने पर आया कि हमसे कितना बड़ा गलती हो गया। जब इस प्रकार जब सुनी तो मेरा क्या कर सकते हैं, मेरा पुत्र इतना महापापी होगा तो स्वयं बहुत उसको गिलानी हुआ, बहुत रोने लग गए और रो के स्वयं कश्यप ऋषि के चरणों में गिर गए, कश्यप ऋषि चरणों में गिर के पूरा माफी मांगने लगी। तो माफी मांगने लगी तो कश्यप ऋषि बोलने लगे मैं ऐसा संतान को जन्म नहीं दूंगा, वैसा वर्णन है काफी दिन तक मतलब वो क्या कह सकते हैं गर्भ में रखी थी, लेकिन क्या कर सकते जन्म तो देना पड़ेगा। अब गर्भ में था इतना सुनामी इतना आतंक फैल रहा था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें कश्यप ऋषि प्रसन्न होकर बोले थे कि देवी तुमने मेरी शरण ग्रहण की है तो मैं इतना तो कर सकता हूँ, ये तो पुत्र जन्मेगा पापी भी होगा, लेकिन हाँ इसका एक कुल अगला कुल में एक महाभागवत होगा जो तुम्हारा कुल को तार देगा। ये सुन के ऐसा भागवतम वर्णन आता है कि वो सुन के फिर दीति प्रसन्न हो गई, फिर उतना रोष नहीं की, उन्होंने सोचा चलो भाई एक वो खराब तो हो ही गया। जब जन्म दिया जन्म लेते ही पूरा तबाही मचाने लगा, सबसे पहले तो हिरण्याक्ष
वो लोग सब लोग सीधे पहले सोचे विष्णु से बदला लेंगे। बदला लेने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, तो विष्णु का पावर कम बढ़ाते हैं, मानव बढ़ाते हैं, मानव यज्ञ करते हैं जिससे देवता लोग की शक्ति बढ़ती, भगवान की शक्ति बढ़ती, पृथ्वी को गायब करते। तो सबसे पहले जो हिरण्याक्ष था पूरा पृथ्वी को ही रसातल में डुबा दिया। उसको फिर बचाने के लिए स्वयं भगवान एक अवतार लेकर आए थे जिसे शुकर अवतार कहते हैं, बड़ा अवतार। बड़ा अवतार लेके स्वयं भगवान जो है माता पृथ्वी की रक्षा की थी। वही माता पृथ्वी क्या है, भगवान की साक्षात शक्ति है, इसलिए उन्होंने भगवान स्वयं अपने क्या कहते हैं अपने सूर्य जो कहते हैं ना, वो अपने सूर्य के ऊपर जो कहते हैं सिंह जो कहते हैं अपने सिंह पर धारण करके बरादेव माता पृथ्वी की रक्षा की, और उसका उसी समय उनको मार दिए थे। जब मारे थे तो भी जो हिरण्यकश्यपु था इसको अब समझ गया भाई विष्णु ने मेरे भाई को मारा, तो विष्णु से बदला लेना चाहिए। जब ये सोच के तो विष्णु से बदला कैसे ले भाई, देखिए पहले जो असुर लोग भी थे इतना तो बुद्धि था उसमें, कितना बुद्धि था उसमें उसमें कि अगर किसी से बदला लेना है, किसी को अगर मारना है, किसी को काटना है, तो उसका शक्ति का था लगा लेते थे। शक्ति का था लगा लेने का मतलब क्या है, उसको मतलब भेजा मतलब बैठा लेते थे तो उसके पास कितना शक्ति है। आजकल इतना थर्ड क्लास व्यक्ति मेंटेलिटी हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, हमेशा अगर जी भी रहा है तो भगवान के भरोसे जी रहा है, भगवान के सहारे चल रहा है, खा भी रहा है भगवान के सहारे, उसका खाना खा ले वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा ये भी भगवान पर डिपेंडेंट करता है, तो चल भी रहा है भगवान के, कब उसको मर जाएगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट भगवान से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। इवन भगवान को ही नहीं कहता, इवन असुर लोग थे उतना मूर्ख नहीं थे, हाँ पापी थे अधर्मी थे, लेकिन वो तो जानते थे नहीं विष्णु है और मारा है, उसको मारने के लिए हमको शक्ति की जरूरत है। लेकिन आज ऐसा मतलब समय आ चुका है वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भगवान नाम का कोई चीज़ होता है, सीधे कहते भगवान को मानते ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, मानते नहीं है, सोच सकते उससे कितना थर्ड क्लास हम गिरे हुए हैं। अब कुछ होते हैं वो मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी डायरेक्ट भगवान को साइड करते हैं, उसके बाद इतना होने पर इतना बुद्धि लेकिन था उसमें, इससे क्या प्रूफ होता है कि हमसे कई गुना बुद्धिमान कौन थे, वो असुर लोग थे, वो लोग भी थर्ड क्लास थे ही, लेकिन थोड़ा बुद्धि था उनमें हमसे ज्यादा था। ये सोच के पहले ये अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास गया, कौन हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु गया और बोला कि हमको विष्णु से बदला लेना है। तो शुक्राचार्य महाज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, तब मतलब शक्ति अर्जित करना पड़ेगा। बोले ठीक है, तपस्या करने के लिए उन्हें मदराचल पर्वत पर चला गया और 36,000 वर्ष तक तपस्या की, इसकी ब्रह्मा की, उसने पहले कैलकुलेट कर लिया कि सबसे क्योंकि विष्णु की तपस्या करेंगे तो प्रसन्न हो गए नहीं और वैसा वरदान देगा नहीं, हम ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, ये सोच के उन्हें ब्रह्मा की तपस्या प्रणाम। 36,000 वर्ष के बताइए हम लोग 36,000 वर्ष हम लोग को 1-2 घंटा का या 1-2 दिन का दें वो असंभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो 36,000 वर्ष तक तपस्या किए। 36,000 वर्ष तक जब तब क्योंकि ये तपस्या जो था तमोगुणी तपस्या था, लेकिन तपस्या 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक सत्वगुणी तपस्या होता है, एक रजोगुणी तपस्या होता है, एक तमोगुणी तपस्या होता है। तमोगुणी तपस्या का तात्पर्य हुआ ने कि आप किसी दूसरे को परेशान करने के लिए दूसरे से बदले की भावना, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भावना जो आप तपस्या करते हैं, मतलब आप माला जप कर रहे हैं, लेकिन माला जप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम फलना का विनाश हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम उससे यहाँ चोरी हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम उससे एक्सीडेंट हो जाए, ये कौन सा तपस्या हो गया, माला जप कर रहा है लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, तमोगुणी तपस्या है, इससे भगवान कभी मिलेंगे नहीं, इससे आप जहाँ तक उसका कुछ नहीं होगा आपको अहित हो जाएगा, समझे। दूसरा गुण है रजोगुणी तपस्या। रजोगुणी तपस्या किस प्रकार का हुआ कि माले बोल रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, हे भगवान हमको नौकरी लग जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, हे भगवान हमको गाड़ी मिल जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, हे भगवान हमको झोपड़ी हमको बिल्डिंग बड़का बिल्डिंग बन जाए, ये कौन तपस्या हो गया, ये रजोगुणी तपस्या हो गया। अगर इसमें भी रहिएगा तो भगवान इसमें भी नहीं, समझे, भगवान सीधे कहेंगे गाड़ी बंगला लो साइड हटो तुमको हम मैं नहीं मिलेंगे। ये जिससे ऊपर होता है सत्वगुणी तपस्या होता है, ये तपस्या क्या होता है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं कहते हैं हे भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, इसमें दूसरों का
भलाई के लिए जब हम तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं या फिर पूजा अनुष्ठान जो कुछ भी करते हैं जिससे दूसरे को भला हो सके, जब इस प्रकार जब करते हैं तो ये कौन सा तपस्या हो जाता है? ये हमारा शतुगुनी तपस्या होता है। और इससे भी वह ऊपर हाई लेवल है शुद्ध सत्व, जिसमें मतलब कुछ डिजायर ही नहीं है, ओनली भगवान की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या करें, भगवान से कुछ मांगने रहे हैं। कहेंगे तीनों में कुछ ना कुछ डिजायर है, भले कहीं अपना है कहीं बाहर है, लेकिन जो शुद्ध सत्व में होता है इसमें डिजायर ही जीरो हो जाता है। मतलब भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं करता, भगवान का क्यों मांगे हम, भक्त कहता भगवान को जो देना था दे देंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल तपस्या करता। जब इस प्रकार अगर कोई तपस्या करता है वो क्या शुद्ध सत्व तपस्या करता है। लेकिन ये जो हमारे हिरण्यकश्यपु महाराज थे कौन सा तपस्या कर रहे थे? तमोगुणी तपस्या कर रहे थे। तमोगुणी जब तपस्या की थी इतना प्रभाव हुआ कि वो सीधे कहाँ पहुँच गया, डायरेक्ट पूरा मतलब पूरा तीनों लोगों में त्राही मतलब त्राहीमाम करने लगा, कि वो पूरा जो अग्नि जो है तमोगुणी था ना, पूरा सब पूरा मानव समाज को जलाने लग गया। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी आपके लिए तपस्या कर रहा है, आप प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों प्रसन्न हो, अभी तपस्या करना तो बाद में प्रसन्न होंगे। इसरा बोले तो उसमें देवता लोग थोड़ा बुद्धिमान थे, क्योंकि स्वर्ग में वो जो उसका तपस्या का प्रभाव से वो अग्नि जो है स्वर्ग पर चले गए, स्वर्ग में जाकर पूरा लहरा मानव समाज को त्राही मान छिला ही रही थी, कष्ट दे ही रही थी, वो सीधे स्वर्ग को चले गए। इतना मतलब उग्र वेग में तपस्या, कैसे तपस्या था, दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर मोड़ के 36,000 वर्ष तक करना। सोचिए आप तो नहीं एक एक घंटा रह के प्रयास करिए ना, आप किसके अंगूठे के बल पर, आप तो नहीं सोचिए एटलीस्ट 5-10 मिनट भी प्रयास करके देखिए, अगर टिक पाते हैं तो अच्छी बात है, समझे। तो देखिए वो जो तपस्या कर रहा जानते हैं कब कैसे तपस्या कर रहा, ब्रह्मा का आपका सिंहासन लेना चाह रहा, अगर जब वरदान वरदान नहीं दिए ना तो आकर सीधे तपस्या का इतना प्रभाव है कि आपका कुर्सी खाने वाला छीनने वाला है। तो इस तरह बोले ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं तुरंत अभी जाते हैं, ब्रह्मा जी जाके उसको सीधे वरदान देते हैं। पहले उनको ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि देखना पड़ा, दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा उनको क्या क्या है किधर, उसका हड्डी बड्डी शरीर को पता ही नहीं चल रहा था, इतना मतलब दिया हुआ खा गया था उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो बाबा जी बताइए कितना भक्ति में लीन था, अब जो था देखे दिव्य दृष्टि है, पहले बचवा है किधर भाई, किधर तपस्या कर रहा है, अभी मंत्र जल छिड़के तो पता चला वो यहाँ से आवाज आ रहा, मतलब इतना दिमाग लग गया था ना, पता नहीं चल रहा था कहाँ से तपस्या कर रहा था। सो सकते हैं इतना उग्र वेग तपस्या में क्या पावर है, लेकिन तपस्या कैसा मिस यूज करने के लिए कर रहा। तो हम देखते हैं भागवत में ही देखते हैं कि दक्ष भी तपस्या कैसे, तमोगुणी तपस्या, जिसके कारण उसको भी मरना पड़ा था, यहाँ भी वही काम कर रहा, उसको बुद्धि नहीं आया, सब लोग यही काम करता है। जब देखे तो बोल प्रसन्न बोले वरदान मांगो, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न मेंटली प्रिपेयर था। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी असुर होगा ना उसका एक खासियत रहेगा क्या, वो अमर होने के पीछे ज्यादा दौड़ेगा, मतलब उसका मेंटेलिटी रहेगा कि हम अमर हो जाए, हम मृत्यु से भरे कोई भागना चाहिए। दैत्य लोग तो बहुत करीब बहुत जल्दी, लेकिन कहा जाता है शास्त्रों में कि यदि आप मृत्यु से अर्थात जितना आप पीछे भागिएगा, जितना दूर भागिएगा मृत्यु उतना ही आपके करीब है। डेफिनेटली प्रमाण है, जितना मृत्यु से पीछे भागिएगा मृत्यु उतना ही आपके करीब पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। तब इस तरह जब होने लगा तो क्या कह सकते हैं, बोले ठीक है हमको वरदान दीजिए, बोले कि हम तो अमर तुमको बना नहीं सकते हैं, क्यों भाई हम खुद अमर, व्यक्ति जब अमर होगा तब तो दूसरे को अमर बना सकता नहीं, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो तुम्हें अमर कहाँ से। तो इस तरह बोले ठीक है, तो मेरे कोई लिस्ट है इसके अनुसार बोल दीजिए। बोले क्या है, इसके अलावा तुम बोल वरदान मांगो मैं दे दूंगा। बोले हमको पहले वरदान मांगे, हमको ना ही दिन में मरे ना ही रात में मरे। बोले कि हम ना अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, हम बोले नर दे नर से ना मरने क्या करते, नर से मरे न वानर से मरे, कोई राक्षस न देवी देवता को कोई मार नहीं। इस तरह बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट में एवं बताया 84 लाख योनि जो आप बनाए हैं उससे उसमें से कोई हमको जीव मार नहीं सकते।
आकाश में नहीं मरे, पाताल में मरे, अंदर ना बाहर नहीं, मतलब पूरा जितना है उसका ऑलमोस्ट ये अमर हो गया था, इतना वरदान मांगा था, इतना लंबा कैलेंडर। अंतिम में सिग्नेचर मार दिया ब्रह्मा जी, पथक गया। अब तो इसका जब इतना देके चले गए, अब देखते हैं जिसको बुद्धि नहीं होता है ना, जिसका विवेक नहीं होता ना, अगर उसको, अगर पहला नंबर देखिए जिसका विवेक है अगर उसको शक्ति दी है तो सही यूज करेगा, लेकिन पहला नंबर जिसका विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, और उसको यदि अगर पावर दे दिए तो सत्य क्या करेगा, वो तबाही मचा कर देगा। सेम काम ये काम किया, कौन काम किया था ये मारियोना का। अब तो इसको तीनों लोगों में राज छा गया, राज इस प्रकार छाया कि क्या सकते हैं क्या कर सकते हैं। पहले नंबर सारा पृथ्वी लोग को जीत लिया, जीतता था कुछ नहीं, कोई भी अगर से युद्ध करने के लिए आता था तो ठहरो जाओ, ठहरो ठहरो ठहरो, पहले अपना जो कैलेंडर जो जहाँ सिग्नेचर कराया था ना, मोहर ले जाता था, देखो ये पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ, यहाँ आकाश में नहीं मरेगा, पाताल में नहीं मरेगा, न भूमि ने, भूमि ने मरेगा, न सुबह ने शाम में, या फिर ना दिन में ना रात में, पूरा ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना देव देवता ना असुर कोई नहीं मार सकता। जब इस तरह पढ़ता था जितना भी राजा महाराज उसने बताया, माय बाप दम ले भाई आपको कोई नहीं मार सकता, हम सिलेंडर है बस, जितना मतलब खाली ये कैलेंडर दिखा के भाई सारा जीत लिया। अब डायरेक्ट स्वर्ग, स्वर्ग में जाकर डायरेक्ट ये जो ये पृथ्वी पर देवी देवता जो अभी कहते हैं ना हम लोग जिसको आराधना करते हैं ना, उसमें जानते कि ये जो हमारा हिरण्यकश्यप महाराज थे अपने घर में बुलाए ना होकर के तरह किसे देवराज इंद्र से पोछा लगवाते थे, अग्निदेव से कहते लाओ झाड़ू लगाओ समझे अपने घर साफ करो, ये सब आई चंद्र चंद्रदेव जो कहते हैं ना सूर्य देवी सब तो सब कक्षा साफ करवाते थे अपना, आए मेरा कपड़ा वपड़ा धो। आप सोचिए देवराज इंद्र जो हिरण्यकश्यप घर में पोछा लगाता था, हम लोग जिसको कहते हैं ये स्त्री था 33 करोड़ देवी देवता एक ही सारे खाली नजर उठा देता था ना जिधर, तो देवता का हालत खराब हो जाता भाई, अब बंदा क्या करेगा। अब ये जो कहते हैं ना जब जो ज्यादा अहंकार होता है, जब ज्यादा ईश्वर मिल जाता है हमें तो व्यक्ति का विवेक काम करना बंद, इस तरह जब होने लगा ना क्या कर हत्या का एक लिमिट क्रॉस किया, हत्या क्या लिमिट क्रॉस किया, उन्होंने अपना घर जो है क्योंकि तीनों लोग का राजा हो चुका, तीनों लोग को जीत लिया और उसमें अपना जगह बनाया कि हम कहाँ रहेंगे, तो हम स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में नंदन वन में रहेंगे। अब स्वर्ग एक पवित्र स्थान भोग है बहुत पवित्र, वहाँ जाके ये मदिरा जान मतलब तीव्र गंध मतलब मदिरा का पान सोच सकते हैं कितना, मतलब यहाँ तो हम लोग के दृश्य समझे कोई अगर मंदिर जाके कोई अगर दारू पी रहा कोई नशा कर रहा तो उससे गिरा हुआ व्यक्ति किसको कर सकता, जैसा कि असुर वो लोग वहाँ असुर करते हैं। तो इस तरह जो हुआ क्या कर सकते, सब लोग देवता लोग वहीं से प्रार्थना करना शुरू किए, भगवान बोले, भगवान वाणी प्रकट हुई, भगवान आकाशवाणी किए ठीक है जब वो अपने मेरे भक्त को जब अपराध करेगा तो मैं उसको विनाश करूंगा। और उसी के घर में एक मतलब तीनों लोग जो है उससे थर थर कांपता था, जिसके सामने स्वयं हिरण्यकश्यप, लेकिन उसी के घर में उसी का 5 साल का बालक उसी का बेटा ध्रुव मैं क्या प्रहलाद तो सामने बात कर रहा, बोले उसको जब वो बोलने लगे नहीं भक्ति नहीं विष्णु भक्ति है, जब ये सुना जब हिरण्यकश्यप तो आग को बोला, आग बोल बोले इस भाई दैत्य रूप चंदन बन पर ये बबूल का कांटा फंसा जन्म ले लिया, इसको मार डालो। उस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत प्रयास किया प्रहलाद महाराज को, बहुत नहीं हम लोग वैष्णव के लिए बहुत कुछ सीखने वाले, हम लोग जब भक्ति करते हैं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आता है तो हम लोग सोचने लगते हैं यार क्या भक्ति क्या थी, हम लोग भक्ति करने के बावजूद इतना दुख आ रहा है इतना कष्ट आ रहा है, काल भक्ति करें इससे अच्छा तो हम पहले सुरक्षित थे, इधर भक्ति तो छोड़ दो भक्ति लगता कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं, ये हम लोग को लगने लग जाता है। लेकिन जब हम इस करके इस हम भक्तों का जब चरित्र सुनते हैं थोड़ा बहुत लगता है यार इनके दुख के सामने हमारा क्या दुख कुछ है, तो जिसका मतलब सोच सकते हैं जिसका खुद का पिता अपने पुत्र को मारने पर तुल जाए, बच्चे कहाँ कहाँ कर रहे हैं 5 साल का बालक, हम लोग तो इतने इतने एज के हो गए 20-25 साल 30-35 साल के हो गए लेकिन हम लोग कुछ नहीं हो रहा, तो 5 साल का बालक अगर कोई मारने के तुल जाए तो कैसे ठीक सोच सकते हैं, तो फिर भी भगवान को विश्वास हो गया। उसने बोलता है ना कि भाई क्वेश्चन ये उठता है, आप लोग अपनी खुशी का विचार करिए
आप लोग धैर्य रखिएगा, थोड़ा डेप्थ में घुस रहे हैं, बता ही रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में चल देते हैं। थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई आज जो पैलेट में इसका क्वालिटीज बताएं, इसका हिरण्यकश्यपु का कितना महापापी था, इतना महापापी वर्णन नहीं कर, इतना वर्णन करना मूर्खता ही होगा। उसके घर में ये प्रहलाद नामक शुभ था। जनरली कैटेगरी क्या होता है, जैसा पिता होता है उसका पुत्र होता है, जैसे उसका वंश होता खानदान होता है, जैसे आजकल के समाज में किसी को कैसे परखते हैं, किसी का कुल या खानदान कैसा होगा आप कैसे परखिएगा, उसको पुत्र को देख के उस पुत्र का आचरण देख तो अनुमान आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा कि इसका कुल का खानदान ऐसा होगा, इसके कारण ये ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है ना, देख रहे क्या उल्टा, पिता कितना महापापी है लेकिन पुत्र जो है कितना महाभागवत है, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ध्यान देख देख ध्यान सुने कैसे बाढ़ना, इसका ये जो है ना हिरण्यकश्यपु, इसका 21 पीढ़ी में जितना महापापी था 21 पीढ़ी में कोई जन्म नहीं लेता, लेकिन बंदा ने एक काम कर दिया था, गलती में किया था, अज्ञान में किया था, एक काम कर गया था। क्या काम कर गया था, ये जो है स्वयं क्या कर सकते हैं, एक बार जो मुझे पहले बताया था ना आप लोग को, ये तपस्या करने गया था, तो तपस्या करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ गया था, वृंदावन गया था, वृंदावन में भी मधुबन में गया था तपस्या करने के लिए, इसका मौसम पता नहीं था इसको, पता नहीं क्या खोपड़ी माया, डायरेक्ट ये तपस्या करने सबसे पहले वृंदावन गया था, वृंदावन में मधुबन में गया था तपस्या करने, वहाँ पर तो घोर तपस्या अपना पूरी तपस्या शुरू कर रहा था। वहाँ पर जो वृंदावन के जो नौ निकुंज के कुछ राधानी का जो तोता है सुकोसारी का, वो अपने मन में राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोल के पूरा अपने गुणगान कर रहे थे, मन कहीं और लगा, मन लगा रहा था ब्रह्मा की तपस्या में, लेकिन बार बार वो पेड़ से बोल रहा था राधे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राधे कृष्ण, वो मन मन इतना बोले में जिस समय जब इस तरह जब करने लगा पूरा फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, यार क्या है सभी किसका नाम ले रहा, फिर इससे मैं दूर भागना चाह रही है, सब यही सब नाम सुना रहा है, ये सोचता है, सोच के वहां से सीधा चलाया सीधा घर चला, घर चलाया, तो रात्रि में जब सोया तो उस समय ये जो उनके पुत्री उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, पद्मावती जब थी तो पूछी कि तो तपस्या करने गए थे लौट चुके हैं, उस समय क्या कर सकते हैं, इन्हें बताना चाह रहा, बोलो छोड़ो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई बात नहीं, तो जो नहीं पद्मावती ने कैसे कयाधु नाम था उनके पति का, कयाधु नाम था, तो कयाधु बार बार पूरा पूछने लगे, जब बार बार पूछने लगे उसी समय इनका मन जो चिंतन था तो भगवतमय हो गया था, तो उसका मन बोलने लगे वो जो एक जो तोता था और आपस में राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने लगा, उसी समय जो क्या कहते हैं गर्भ धारण संस्कार जो करता है क्रिया में मग्न और उसका चिंतन एक्चुअली बन गया, क्या राधे कृष्ण राधे कृष्ण जैसे बोलने लगा उसमें चिंतन भगवान का हो गया, और उसमें गर्भ धारण संस्कार किया जिसके कारण ये महाभागवत स्वयं प्रहलाद महाराज अब तनिक सोचिए कितना, आज के जो पते नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह इधर उधर करते रहते हैं, इसे आते देखते आजकल को भाई अगर माँ गर्भवती होती है तो सबसे पहले टीवी सीरियल देखते हैं भाई कौन हीरो कैसे कर रहा है ये कर रहा है माँ, इसीलिए आजकल बच्चे ऐसे हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उसमें अगर हर एक पेरेंट्स एवरी पेरेंट्स को ये जरूरत नीड है क्या हरी कथा, भगवान की अगर कथा उसमें कोई भी सुनेगा महाभागवत जन्म गारंटी है, और दूसरा है जन्म लेते ही पैलन में तो गर्भ में बीज तो आ गया ना उसमें, और उसमें जब जन्म लिए तो नारद मुनि जैसा दूसरा पार्ट नारद मुनि जैसा महान भक्त मिल गया, महान डिवोटी वैष्णव मिल गया जिनका एसोसिएशन मिल गया, जब उनको जब माँ जब गर्भ में थे नित्य दिन हरिकथा में इतना रुचि, जब 9 महीना क्या हरिकथा सुने इसका प्रमाण देख रहे हैं आज प्रहलाद महाराज को, 5 साल का बालक होते हुए भी कितना जो तीनों लोगों का कम पा रहा है उसको भी लाने का पावर क्यों कौन रख रहे हैं, ये 5 साल का बालक
यदि हम भी अगर अभी अभी से अगर भक्ति करना शुरू करें ना तीनों लोक में हम भी कोई कोई टकरा नहीं सकता, बिकॉज हम लोग हैं माया के झंझार में इतने फंस चुके हैं का नहीं। जस्ट लाइक ये नहीं तो जानते इसका 21 पीढ़ी में हिरण्यकश्यप इतना पापी था, कोई ने कभी भक्त जन्म ही नहीं ले सकता था। एवं मुंबई अपने राधागुण वाला से सुन रहे थे, बता रहे थे कि यदि कोई किसी के कुल में एक 21 पीढ़ी में कोई एक भक्त भी अगर जन्म लेता है ना, नाम जाप अगर जन्म लेता है, उत्सव मनाना चाहिए कि तुम्हारा एक अगर भक्त बन गया ना तुम्हारा 21 पीढ़ी को उतार दे। 21 पीढ़ी बाय डिफॉल्ट भगवान की इच्छा समझे, जिसके इसलिए उसमें अब हम लोग अगर कोई भक्त अगर बन पा रहे हैं तो उसमें पूर्व जन्म में अर्थात कोई कत्नो पुराना कोई इनको भक्ति किया होगा जिसके कारण को भक्त नहीं। अगर कोई एक भक्त बनता है ना उसका जो पूर्वज जो ऑलरेडी जिनका मारे डेथ हो चुका है कहीं पर नरक उरक होंगे उत्सव मनाते हैं या क्या मेरा कुल है मेरा क्या खानदान है मेरा खानदान, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ दिखाई पड़ता है। कभी कभी देखते हैं नहीं क्या भाई पितृ दोष है, पितृ परेशान है, पितृ हम लोग को कष्ट दे रहे हैं। वास्तव में पितृ इसलिए कष्ट देते हैं बिकॉज उनको जब कष्ट होता है तो हम सब अपेक्षा करते हैं आशा करते हैं कि यार हमने जो गलती किया तुम लोग गलती ना करो, हमको उसको उद्धार करो। इसलिए ना मैं साल में एक पितृ पक्ष आता आने वाला जिसके बाद जस्ट आने वाला उसमें ही कहते हैं कि मेरा बच्चे में मेरे को श्राद्ध करके एटलीस्ट हमको कहीं उचित स्थान तो का मैं जो भक्ति से अपने भक्ति से मैं नहीं आ पाया लेकिन कोई मेरा मेरा जो वंशज है तो भक्ति मेरे लिए करके हमको भगवान के धाम एक जब जब इस प्रकार जब आप इतने जब देखते हैं पाप मय में बोलते हैं यार मरो क्या कर सकते हैं, जब भक्ति भक्त जन्म लेता उनके लिए वो पितृ जो सेम कंडीशन यहाँ भी हुआ था। जब इस प्रकार जब मना किया तो जो क्या करते हैं प्रहलाद महाराज बहुत दंड देने का प्रयास किया उनको, मतलब क्या आग में अग्नि में जलाया गया है, फिर क्या करते हैं पहाड़ से फेंका गया है, तलवार से प्रहार किया गया, सांपों से कटवाया गया। सांप जब आए हिरण्यकश्यप से पूछने कहने कि महाराज मेरा मुंह से सारा विष खत्म हो गया, मेरे मुंह से फेंक फेंक दिया मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे को प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो अंत में पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है, तुम्हें इतना शक्ति आ कहां से रहा है। तब उसमें तुम कोई जंत्र मंत्र जानते हो, तंत्र तुम जानते हो, टोना टोका तुम जानते हो कुछ। तब उसमें सीधे कहते हैं प्रहलाद महाराज नहीं पिताजी मैं कुछ जंत्र मंत्र तंत्र नहीं जानता हूँ, जो भगवान आपकी रक्षा कर रहा वही मेरी रक्षा कर रहा, भगवान अत्यंत सर्वत्र इसी में हिरण्यकश्यप को क्रोध आया था, क्रोध में आके बोलता है क्या तुम्हारा भगवान सब जगह है, बोले जब अगर सब जगह है तो इस खंभे में है, इस खंभे में है, बोले भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में है, लेकिन वास्तव में उसमें भगवान उस खंभे में नहीं थे। ये भक्त का विश्वास है, बोले ना अगर हम लोग भगवान विश्वास रख देते हैं ना भगवान कभी हार नहीं देंगे कभी भी नहीं। ये गलत हमें मत रही है कि हम अगर भगवान पर विश्वास कर लिए हैं तो भगवान हमको हारने दे देंगे, कहता ही नहीं। तो आपसे ज़्यादा बोलते हैं अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते। मतलब कहते हैं भगवान इतना कृपामय इतना दयालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, बोले मेरा कुछ भी हो जाए मेरे को गाली पड़े मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ मैं भक्तों के हाथ में द्रौपदी नहीं तो कभी कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा द्रौपदी का प्रसंग, क्योंकि जब तक द्रौपदी ने इस भगवत जगत क्या कहते हैं जगत के सहारे रही तब तक जगदीश ने जैसी मुझे एक साड़ी लोग दांत में दबा कर रखे जैसी पूरा छोड़ी जसला कोई है। हम लोग अभी संसार को इतने भर चुके हैं लग रहा है हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कंगाल हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मदद करेंगे ना। कई बार कहते हैं ना हम जॉब नहीं करेंगे बिजनेस जॉब नहीं करेंगे नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे तो खाएंगे कैसे, हम लोग इतना भर चुके हैं हम लोग दिख ही नहीं रहा है कोई मदद कर सकता है नहीं, ऐसा लग रहा है भाई सब कुछ हम जॉब कर रहे हैं तभी खा रहे हैं, हमने जॉब कर रहे हैं तब नहीं खाते, ये हम लोग मेंटेलिटी से वास्तव में हम जॉब से बदौलत नहीं खा रहे। अब यह एक बार रिमेम्बर रखिए मैं गुरु महाराज से सुना था राधा महाराज से सुना था तो बताते हैं कि आपका घर में आप जो अन्न खा रहे हैं ना वो अपनी बदौलत नहीं खा रहे अपनी कमाई से नहीं खा रहे, आपका कोई घर में किसी का पूर्व जन्म का भक्ति होगा या कोई भक्त के बदौलत आपका घर अगर सही से चल रहा है ना आनंद से
इवन आई मीन इतना तो कहते हैं पूरा संसार में जो है ना, पूरा संसार जो खाना खा रहा है ना, अन्न खा रहा है ना, केवल भक्तों को बदलना सकता। पूरा संसार का भरण पोषण भगवान तो भक्तों का बदला कैसे भाई? हम धान नहीं रोपेंगे तो उपजेगा कहाँ से? ये करेंगे नहीं कर पानी नहीं पड़ेंगे तो होगा कैसे? ये हमारा थर्ड क्लास। देखो जिस धरती पर इतना पाप हो रहा है ना, जिसके कारण भूमि देवी ने कब काम देना बंद कर चुकी होती। अब लाख धान में रोपते रहिए, लाख रोपते रहिए, कुछ भी अन्न देना जब बंद कर दे तो क्या करिए? अपनी जब कुछ करिएगा, अन्न कौन दे रही है? भूमि देवी दे रही है ना। अब लाखों मेहनत करिए भाई, लाखों गाड़ी चलाते रहिए, लाखों पटाते रहिए ना, क्या जब वो देगी नहीं? भागवत के चतुर्थ स्कंध में वर्णन आता है अंग का अंग, अंग का पुत्र वैण का, वैण इतना अत्याचारी हो गया था, इतना अत्याचार हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी देवी क्या कहते हैं कष्ट से अन्न देना बंद कर दी। मतलब अन्न खेत पूरा है, तीनों त्राही त्राही मच गया था, अन्न को पूरा बच नहीं रहा। इतनी सोचिए ये महिमा था। हम लोग तो लगता है कि भाई हम रोकते हैं तब हम करते हैं सब कुछ आ रहा है, वास्तव में हमारा करने से कुछ नहीं होता। जब तक पृथ्वी देवी जब तक हमारी कृपा है, दया है उसका, और वो दया का कृपा बदल किसके बदल कर रही है? जब कोई संसार लाखों करोड़ों को एक भक्ति जब करता है ना, तब पृथ्वी देवी प्रसन्न उत्साह से नाचने लगती है और नाच के अन्न प्रदान करती है। वरना पृथ्वी इतना पाप हो रहा है, पृथ्वी देवी अगर जिसमें रुष्ट हो जाएगी ना, एक घुनी अन्न नहीं मिलेगा। दिन बनाते रहो, कितना मिल में चावल बनाते रहो, कितना धान बनाते रहो, कितना आजकल के थर्ड क्लास बुद्धि समझ नहीं आ रहा। देखिए प्रकृति देख रहे हैं, हाल देख रहे हैं, पहले कितना जितना का भी नहीं था, प्रकृति देख रहे कैसे काम कर रही है। हम लोग प्रकृति प्रकृति करते हैं, बोले हम लोग के इशारे में कुछ भी नहीं है। प्रकृति एक बार तबाही मचा देगा ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा, एक मिनट में सब ध्वस्त हो जाएगा। कुछ दिन पहले आप लोग वीडियो में दिखाया था ना, शायद कुछ लोग का याद होगा, जिसमें क्या दिखाए थे, समुद्र का दिखाए थे कि किस तरह समुद्र अगर अपना मर्यादा अगर तोड़ देगा तो सारा क्या संसार को क्या 71% जल है, कहाँ जाइएगा? 71% जल अगर निकलेगा, हम ब्रह्मांड का मैप देखिए, देखिएगा फिर सारा चक्रो जले दिखिए रहा, और जले सब गिरा हुआ है। वो लोग आएगा तो मिलेगा ना, ये छोटे छोटे कटोरी जैसे थे, कटोरी है ना, तो कटोरी में कुछ रखे हुए हैं, चारों ओर मतलब बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, और पानी कटोरी में सामान रखे हुए। ये हाल है हम लोग कंट्रीज का, कभी भी डूब सकता है कटोरी में, कटोरी में कभी पानी तो रह रहा, चारों ओर पानी से गिरा हुआ नहीं भाई। हम लोग जब इस तरह जब बोला हिरण्यकश्यप भी समझ गया, चले आते हैं पॉइंट पर। इसलिए कहते तो भक्ति अगर कोई कर रहा है ना, वो हमेशा साथ इस जन्म का नहीं तो बहुत खूब जन्म, बहुत जन्म का होता है, बहुत फॉर्चुनेट होता, बहुत लकी होता है, बहुत भगवान का शुद्ध भक्ति करता है, तभी जन्म मौका मिलता है। जब इस तरह जब किया गया हिरण्यकश्यप भी सोचा, भाई रोज रोज मगज मारी, रोज रोज झगड़ा करने से क्या फायदा, एक ही दिन फैसला कर लिया जाए, इतना माथा पीछी क्यों कौन करेगा? वो अपने मुष्टिका बांधा। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इधर आए जब मुष्टिका मारा खंभे में, उसको मारने से पहले तो दुवधा होके डायरेक्ट कौन नरसिंह देखो, आधा नर आधा सिंह। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी बात आता है, उसमें पायलट में एक झटके में उसने सारे सेना को विध्वंस कर दिया, दूसरी झटका में पूरा सेना को विध्वंस कर दिया। उस बात हिरण्यकश्यप से लड़ने का एक नाटक समझे कर रहे थे, बिकॉज संध्या समय का वेट कर रहे थे, जिसमें गोधूली बेला कहते हैं, उस समय का वेट कर रहे थे, ऐसे वेट कर रहे थे तो करते 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 जब उस समय जब आया, जैसे ही पकड़े, पकड़ के लाकर अपने गोद में बैठाए, बोले बोलो यार अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, कोई तुमको डाउट है? ये भी समझ गया कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन कहा नहीं, ब्रह्मा का हमको वरदान है, और ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, देखो अभी दिन है ना ही रात, बोले ना ही अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे, ना अस्त्र से मारे ना शस्त्र से मारे,
युवराज बोलने लगा, अंत में ये भी कहा है, मैं भी एक और वरदान मांगा था मैं ब्रह्मा द्वारा, ये भी वरदान था कि 12 महीना में कोई महीना में नहीं मरेंगे। तब उसमें भगवान कहते हैं, सारा वरदान फेल कर देते, मैं तो बहुत छोटा छोटा नहीं चलता हूँ, मतलब जितना भी वरदान मांगा था सारा फेल हो जाता, ना ही देव पता नहीं, ना ही नर से मरेगा, ना बानर से, ना देवता, ना किसी से मरेगा, हमको ना ही पता, ना हमको नर गाएगा ना पशु गाएगा, हमको नरसिंह दोनों मिक्स है, हमको कुछ नहीं करना, ना अंदर मरेंगे ना बाहर, ना बोले ना अंदर है ना बाहर में, तुम डायरेक्ट चौकट के ऊपर है, बोले ना ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे, बोले ना ऊपर है ना नीचे तुम्हारे गोद में, बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र, बोले ना अस्त्र से मारे ना शस्त्र से मारे, तुमको अपने नाखूनों से मारे। इस तरह जब पूरा करते करते पूरा सब बटन को फैल गया, तब इनके में बोलता है मैं ब्रह्मा के 12 महीनों में कोई महीना में नहीं। तब यहाँ देखिए पॉइंट होता है जहाँ जिसके लिए हम लोग ये उपाला किए हैं, यहाँ समझिए। तब उस समय भगवान कहते हैं कि देखो जो अभी चल रहा है ना, ये चल रहा अधिक मास किसके लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाए हैं, हमको बनाने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन स्पेशल हम बनाए हैं केवल और केवल तुम्हें मारने के। जैसे कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखिएगा तो इस साल जो है 13 महीना का साल बनता है, और ये जो अंग्रेज ने बर्बाद कर दिया है, अंग्रेजी कैलेंडर का 12 महीना होता है, लेकिन हिंदी के अनुसार देखिएगा 13 महीना का ही साल। और अपने साथ ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार देखिएगा एवरीडे कभी कोई देखते हैं, हर एक जो चंद्रमा जो है पीछे रह जाता है, सूर्य कभी कोई अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, चंद्रमा जो कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई देर से पहुंचता है, इसको बैलेंस करने के लिए या फिर कभी त्यौहार को बैलेंस करने के लिए, फेस्टिवल को बैलेंस करने के लिए ये जो अधिक मास का बनाया गया है, ताकि एक्स्ट्रा दिन ताकि मैनेजमेंट मैनेज हो सके। क्यों देखिए हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, देखिए एक दिन ही आगे पीछे होता है बेसिकली, अगर वैसा होता ना तो कभी कोई चंद्रमा बहुत अपने लेट से पहुंचते वहाँ पहुँचता, कभी कोई जल्दी पहुंच जाता, तो इस तरह से फेस्टिवल उल्टा पुल्टा हो जाता। उल्टा पुल्टा कैसे हो जाता है कि जैसे देखिए कुछ कुछ फेस्टिवल आश्विन है, आश्विन जो होता है आश्विन में दशहरा होता है, तो फिक्स है कि आश्विन में ही दशहरा आएगा। कार्तिक, कार्तिक में ये फिक्स क्या है भाई, क्या कर सकते हैं उसमें, क्या कर सकते हैं उसमें छठ आएगा, तो कुछ जो पर्व है फिक्स होता है, लेकिन जब इस तरह जब इसी को मैनेज करने के लिए ये दिन बनाया गया है, इसे हर एक साल मतलब विद इन 11 दिन हर एक साल पीछे हो जाते हैं, इसके लिए 11 दिन एकादश किया 33 साल में 33 मतलब 33 दिन का इसमें एक महीना होता है, एक महीना इससे कहीं भी एडजस्ट कर दिया जाता है। उसी समय हेणागस्त को कहते हैं, ये जो 13वां महीना हम बनाए हैं तुम्हारे लिए, उस इतना कहा के सीधे तो ये जो अधिक मास है केवल केवल हेणागस्त को पिटने के लिए। हेणागस्तु को तो आज हम देखें हेणागस्तु प्रारंभ हो गया है, हेणागस्तु ने अधिक मास जो है उसका क्रिएशन हो गया है, रचना हो गया है, अब उसका अगला दिन अब कल से हम लोग देखेंगे उसका फिर आगे क्या होता है। बेचारा बन तो गया, अब देखिए अगर देखे वो जंगल में 10 शेर एक साथ रह रहा है या फिर 12 शेर एक साथ रह रहा है, और वो अगर नया 13वां शेर पहुंच जाए तो 12 को थोड़ा सा परेशानी होगा, भाई ये कोई आप कहाँ पहुँच गया भाई, ये हमको पार्टिसिपेट देना पड़ जाएगा, तब वो जो क्या कांड करता है वो हम देखने के लिए हम लोग कल प्रयास करेंगे कि कल हम देखते हैं उस अधिक मास को, उस अधिक मास के साथ क्या वो इस लोग सलूक करते हैं, बर्ताव करते हैं, और जिसके बाद वो क्या करता है, मतलब उससे बचने के लिए कितना धुतकारते हैं वो लोग, धुतकारने के बाद ये कहाँ जाता है, कैसे भगवान की शरण में ग्रहण करता है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।